गुड इवनिंग बच्चों, आज बेटा हम ट्वेल्थ में सेवन्थ चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, जो है इवोल्यूशन। क्या है इवोल्यूशन? ये मेरी इंट्रोडक्टरी क्लास है इवोल्यूशन के लिए। इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या कंटेंट है, इस इंट्रोडक्टरी क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि चैप्टर क्या कह रहा है। व्हाट इज़ इवोल्यूशन? इवोल्यूशन को छोटे शब्दों में कहा जाता है डेवलपमेंट, या हम इसे वैसे तो कहेंगे विकास कह सकते हैं, इसको डेवलपमेंट कहेंगे। अब सवाल है, डेवलपमेंट तो बहुत जगह है। आपकी फैक्ट्री का डेवलपमेंट कैसा है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट क्या हो रहा है, आपका बिजनेस कैसा डेवलप हो रहा है, लाइक दैट तमाम सी चीज़ें डेवलपमेंट शब्द में ली जाती हैं, जो एक अंग्रेजी शब्द है बेटा। विकास एक हिंदी शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ इसमें बायोलॉजी में लिखा हुआ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन भी डेवलपमेंट है, इवोल्यूशन भी विकास, बड़े बायोलॉजिकल टर्म है बेटा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम लोग तीन शब्दों का उपयोग मुख्य रूप से करते हैं, एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में, एक बायोलॉजी में। यहाँ विकास हिंदी का शब्द है, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंग्रेजी का शब्द है, और इवोल्यूशन वहीं पर बायो का शब्द है। इस बायोलॉजी में जो डेवलपमेंट वर्ड कहा गया है, हकीकत में ये इवोल्यूशन है क्या? या मैं कह दूँ, मेयर ने, किसकी बात कर रहा हूँ, मेयर ने 1970 में एक बात बोली थी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। मैं क्वेश्चन भी बना सकता हूँ उसका, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, व्हाट इज इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, क्या होती है इवोल्यूशनरी बायोलॉजी? बेटा मैंने कहा 1970 में मेयर ने टर्म दिया था इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के लिए। क्या कहा था? हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म ऑन द अर्थ। क्या कहा बेटा? हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ये कहा था। एग्जैक्टली इवोल्यूशनरी बायोलॉजी यही है। इन हकीकत में इसमें इवोल्यूशन बायोलॉजी दो है। जब इवोल्यूशन बायोलॉजी कहते बेटा, तो वहां पर लाइफ आ जाती है। इवोल्यूशन कहते हैं तो उसका पूरा बनने से लेकर आगे तक है। इन अगर केवल शब्द कहा जाए, व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मीन्स यहां बेटा है चेंज इन लाइफ फॉर्म। एक्चुअली ये लाइफ फॉर्म में चेंज, किस लाइफ फॉर्म में चेंज बेटा? प्लांट की बॉडी में चेंज, किस लाइफ में चेंज? एनिमल की बॉडी में चेंज। चेंज जो कहा गया है, दिस इज द इवोल्यूशन। परिवर्तन जो कहा गया है, दिस इज द इवोल्यूशन। बदलाव जो कहा गया है, दिस इज द इवोल्यूशन। अंतर जो पैदा होता है, उसे कहते हैं इवोल्यूशन। तो सही मायने में इवोल्यूशन है बदलाव। लेकिन हम सब एक नॉर्मल तौर पर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हम लोगों की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैं बेटा इस इवोल्यूशन को ऐसे बोलूँगा, मैं तीन तरह से बताना पसंद करता हूँ, तीन प्रकार का। एक इवोल्यूशन मैं कहता हूँ कॉस्मिक इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन की बात करता हूँ एबायोटिक इवोल्यूशन, एक इवोल्यूशन बात करता हूँ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। यानी मैंने क्या कहा बेटा? थ्री काइंड ऑफ इवोल्यूशन, तीन प्रकार के इवोल्यूशन को मैं डिफाइन करना चाहता हूँ आपके सामने। तीनों क्या है? मैंने कहा कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉस्मिक इवोल्यूशन, है ना? कॉस्मिक का मतलब क्या है? सही मायने में बेटा कॉस्मिक इवोल्यूशन मीन्स है कैसे बना है। पहले बेटा मुझे मालूम है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। यूनिवर्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज,
ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में क्या आते हैं बेटा, प्लैनेट्स। और प्लैनेट में कौन है बेटा, बेटा अर्थ। इस प्रकार का जो इवोल्यूशन है इसे कॉस्मिक इवोल्यूशन कहते हैं। यहाँ कहीं भी लाइफ का नामो निशान नहीं। कैसे यूनिवर्स बना हम आपको आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लैनेट और अर्थ। आज मैं जिस प्लैनेट पर हूँ जिसका नाम है अर्थ, जो अपनी एक्सिस पर घूम रही है, इस प्लैनेट पर जब पहली लाइफ बनी तो उस इवोल्यूशन को कहते हैं ए बायोटिक इवोल्यूशन। मीन्स इसका मतलब ही है फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ। बहुत बढ़िया शब्द, फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ बेटा, यानी धरती पर पहली लाइफ का बनना ए बायोटिक इवोल्यूशन है। जबकि मैंने क्या कहा बेटा, कॉस्मिक इवोल्यूशन क्या है, मैंने कहा इवोल्यूशन अलग अलग डिफाइन किया, उसके बाद मैं इवोल्यूशन को मैं अपनी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एक बात और बता दो बेटा, ये जो मैंने बोला है ना बोर्ड पर, जो मैंने लिखा है ना, आज बोल रहा हूँ, जब आप ये वीडियो पढ़ रहे होंगे इमीडिएट आप जाइए और यूट्यूब पर सारे वीडियो सर्च कीजिए इवोल्यूशन पर। अगर वो इंट्रोडक्टर ही इतना बेहतर बता दे मुझसे बताना, आगे कंटेंट तो बहुत बढ़िया है इसमें, इससे बेहतर नहीं मिलेगा आपको, ये मेरा विश्वास है। इस विश्वास के साथ मैं आपके सामने अपने लेक्चर लगातार बनाता जा रहा हूँ। आपका लगातार प्यार मिल रहा है, आपका लगातार सहयोग मिल रहा है, आप लगातार इसे वॉच कर रहे हैं, व्यूवर्स हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। जहाँ मैंने कुछ भी नहीं था, मैंने शुरुआत की थी अपने 33 साल के इस अनुभव की बात बता रहा हूँ। मैंने कभी वीडियो लेक्चर नहीं बनाए, लोग चार चार पाँच पाँच साल से, तीन तीन साल से, दो दो साल लगातार बना रहे, मैंने अभी शुरू किया है कुछ दिन पहले, और लगातार मुझे इसमें आपका सहयोग मिल रहा है और लगातार इसी से प्यार और सहयोग मिलता रहेगा। बेटा कॉस्मिक इवोल्यूशन समझने की कोशिश करो, यूनिवर्स, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, प्लैनेट और अर्थ का बनना कॉस्मिक इवोल्यूशन, यहाँ कहीं लाइफ नहीं है। ए बायोटिक इवोल्यूशन में पहली लाइफ का बनना ए बायोटिक इवोल्यूशन कहलाता है। ये बेटा इसके इसकी दो प्रकार की थ्योरीज हैं, एक थ्योरी और दूसरी थ्योरी। एक है बेटा एंशियंट थ्योरी, एक थ्योरी है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी डेफिनेटली ए बायोटिक इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लाइफ अंदर, यानी कि आप इसे कहते हो ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ पर होगा, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ओरिजिन लाइफ होगा, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एबायोटिक इवोल्यूशन पर होगा। इस पर भी मैं बोलूँगा, यानी आउट ऑफ द सिलेबस है, इसमें भी 10-12 पॉइंट ऐसे ही बोल दिए जाते हैं। एक लेक्चर में इसका भी डाउनलोड करूँगा बेटा, आपको अपलोड करूँगा। आइए तो नेक्स्ट वीडियो हमारा लेक्चर होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ पर बेटा, ये हो गया ओके। अब आई बात व्हाट इज ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। मैंने कॉस्मिक इवोल्यूशन बता दिया, एबायोटिक इवोल्यूशन बता दिया, फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लाइफ ऑन द अर्थ मीन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसमें दो थ्योरी एंशियंट एंड मॉडर्न, इनको मैं डिटेल करूँगा आगे चल करके। और मैंने बताया ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। एक्चुअली जो मेयर कह रहे हैं, जो मेयर कह रहे हैं वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ। एक्चुअली वो यहीं पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, यानी जो अर्थ पर जो लाइफ बनी है उसकी हिस्ट्री क्या है, वो बेटा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है। यानी जो सबसे पहली लाइफ बनी वो सिंपल लाइफ बनी, सिंपल लाइफ टू लाइक दैट मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लाइफ।
ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म द लाइफ, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ दर्थ, दिस इज द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यही एक्चुअली इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। तो पहला चैप्टर, पहला कंटेंट आपका इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ है। इसको कैसे मैं आपको बताऊं कि हाँ इवोल्यूशन हुआ है, तो बेटा यहाँ पर कुछ बातें हैं। एक पढ़ेंगे आर्गन डिवीजन की थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जिसमें बेटा हम लोग तीन थ्योरी की बात करेंगे, एक लैमार्क की बात करेंगे, एक डार्विन की बात करेंगे, एक ह्यूगो डिवरीज की बात करेंगे। ठीक, सेकंड बेटा है एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इसमें बहुत से प्रमाण बताने हैं मुझे कि इवोल्यूशन हुआ है ना। तीसरा है इवोल्यूशन हुआ है, इसके एविडेंस कहाँ से आते हैं, तो पढ़ेंगे जियो लॉजिकल टाइम स्केल। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे कि हिस्ट्री ऑफ द लाइफ, कब किस समय कौन सी लाइफ बनी, उसके बारे में पढ़ा करेंगे। एंड द लास्ट आर्टिकल इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ है बेटा। मैंने कहा मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास मुझे आज लेनी थी आपके इवोल्यूशन की, इंट्रोडक्टरी क्लास में बेटा। तो बेटा इस पूरे इंट्रोडक्शन में मैं आपको इस चैप्टर में क्या क्या बताऊंगा, मैंने बताया इवोल्यूशन किसे कहते हैं, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या है, मेयर ने इसे क्या कहा, इवोल्यूशन चेंज इन द लाइफ फॉर्म है, प्लांट में चेंज हो, एनिमल में चेंज हो, इवोल्यूशन बेटा कॉस्मिक इवोल्यूशन है जो कि आपके जानबूझकर आप ये मानकर चलो कि ना बोर्ड में आता है ना नीट में आता है, बट मुझे एक हिस्ट्री चाहिए, क्लासिफिकेशन चाहिए जो आपका बेहतर होना चाहिए। तो कॉस्मिक इवोल्यूशन में यूनिवर्स से लेकर के अर्थ तक बनने की बात होती है बेटा। ए बायोटिक इवोल्यूशन में फर्स्ट लाइफ बनने की बात होती है, उसे हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें दो थ्योरी हैं एंशियंट थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी, जिसको हम लोग आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ही एक्चुअली चेंज इन द लाइफ फॉर्म है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म का बनना। तो आखिर सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनी तो मैंने क्या किया उसमें, मैं तो सबसे कॉम्प्लेक्स प्राणी हूँ इस जगत का, हम सब कॉम्प्लेक्स प्राणी इस जगत के हैं बेटा, है ना। तो हम जब कॉम्प्लेक्स प्राणी जब बने बेटा, तो उससे पहले कैसे बने, तो जिज्ञासा होती है, चाहत होती, पूछते हैं हम लोग कैसे बने। मम्मी पापा से लोग पूछते हैं बेटा पापा हम कैसे बने, पेड़ पौधे कैसे हैं, छोटे होते हम हर तरह के क्वेश्चन मेरे मन में आते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इन सबको बताया, थ्योरीज अलग अलग वैज्ञानिकों ने टाइम टू टाइम बताई, उसको पढ़ेंगे, उनके एविडेंसेस पढ़ेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस समय कौन बना ये पढ़ेंगे, और ह्यूमन का इवोल्यूशन किस प्रकार से बंदर से हम लोग ऐप में आए, ऐप से ह्यूमन बने, ह्यूमन में भी होमो सेपियंस सेपियंस जो आपके सामने हम सब बोल रहे हैं वो कैसे हुआ। बेटा ये आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर ख़त्म हुआ, अगला लेक्चर हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पर होगा। वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे, आप दोस्तों का शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। बेटा हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स होते हैं उनको सही ढंग से एक सीक्वेंस में प्राप्त करने के लिए आप स्काइप MT के ऐप के स्टोर पर जाइए, आपको मिल जाएंगे। वहाँ आपको कुछ कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे 11th फाउंडेशन प्लस नीट का सर मिलेगा, 12th फाउंडेशन प्लस नीट का मिलेगा, और बेटा टॉप अप क्लास का एक कॉन्सेप्ट है जो रिपीटर्स और रेगुलर बच्चों के लिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा पहला 11th फाउंडेशन प्लस नीट के लिए है, दूसरा 12th फाउंडेशन प्लस नीट के लिए, तीसरे नंबर पर आ गए हम टॉप अप क्लास। टॉप अप क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होता है मैं उसे बेटा बता देता हूँ 15-20 सेकंड में। बेटा नीट बायोलॉजी में प्रेजेंट टाइम में 90 क्वेश्चंस आते हैं, 90 क्वेश्चंस में बेटा 75-80 क्वेश्चन NCERT के लाइन टू लाइन होते हैं, सारे बच्चे इन क्वेश्चन को आसानी से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और 75 क्वेश्चन अचीव कर लेते हैं।
10 से 15 क्वेश्चन जिन स्टडी के बाहर से आते हैं वो उसे कई बार सॉल्व नहीं कर पाते, पहले साल फिर दूसरे साल फिर तीसरे साल तीन तीन साल चार चार साल उनके 75 क्वेश्चन आगे नंबर नहीं बढ़ते हैं। तो 75 क्वेश्चन से आगे जब नंबर नहीं बढ़ते हैं तो समस्या वहाँ पर कहाँ रहती है, क्यों एनसीईआरटी उन्हें याद है बट एनसीईआरटी की लाइनों के अगल बगल जो याद नहीं होता। तो मेरा टॉप ऑफ क्लास का कॉन्सेप्ट है ना इधर की बेटा ना इधर की ना उधर की बात, बस एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। तो टॉप ऑफ क्लास पर मैंने इसी तरह के एनसीईआरटी का पैराग्राफ दिखाया, मैंने कहा देखो बेटा इससे ये क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे, आप इस पर ध्यान दीजिए। मैंने उसी तरह की बात की है, उसी तरह का मैसेज डाला है, उसी तरह का टॉपिक है उसमें। आप उसे देखेंगे पिछले कुछ पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चन का भी जिक्र उसमें किया गया है, नए मॉड्यूल्स भी उसमें मैंने इनबिल्ट किए हैं डाले हैं। तो इस प्रकार से उनके अलावा कुछ चीज़ें और हैं नंबर फोर्थ में हम कह सकते हैं कि जितना भी मैं मैटर बना रहा हूँ बेटा इनकी हार्ड कॉपी यानी इनके शॉर्ट नोट्स इनके शॉर्ट पॉइंट पूरे एनसीईआरटी के आपको हमारे प्ले स्टोर मेरे स्टोर पर अवेलेबल होंगे। दोनों ही एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव बुक हमारे स्टोर पर अवेलेबल हैं, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी कि आप थ्योरी के लिए नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव के लिए आप बुक प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल सकता है। ऑफलाइन के लिए आप इंस्टीट्यूट के एड्रेस पर आप मेल कर सकते हो, आपको ऑफलाइन मिल सकती है। सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, आपको घर बैठे सारी बातें उपलब्ध होती रहेंगी। ओके, थैंक यू।